यार अभी ना रात के तकरीबन 11:59 हो गए और अभी ये जो है 2023 में हम लोग एंटर होने लगे हैं। मैं इसलिए अभी इतनी ठंड में छत पे आया हूँ ना, मैंने कहा शायद हो सकता है कि कोई ना कोई तो फायर वर्क्स लाजमी करेगा, नज़र आ जाए तो कोई आम शॉट वगैरह निकाल लेंगे। जस्ट एक मिनट रह गया लिटरली 2022। वैसे एल्केन की मुझे साउंड आ रही है उसकी फायर वर्क्स की ना, जस्ट 1 मिनट लेफ्ट। बहुत ज़्यादा ठंड है यार, इस साइड सारी धुंध ही धुंध है, होने लगे हैं। 12 हैप्पी न्यू ईयर यार आप सबको, लेकिन कोई भी फायरवर्क्स नहीं हुए, भी नज़र नहीं आ रहे। तो यार अब ऐसे करते हैं, नीचे चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है हद से ज़्यादा, नीचे चलते हैं ना, बाकी स्टोरी जो टाइम है ना वो देखते हैं आगे क्या करना है। 25 जून को ना यार मैंने फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया। मैं ऐसे उस व्लॉग से ना कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था, क्योंकि यार मुझे ऐसे कैमरे में लाइक लिटरली देखना ही नहीं आता था, लाइक शाय सा था, मुझे ज़रा नहीं अच्छा लगता था यार मैं कैमरे में देख के बात करूँ। फिर खैर करते करते पहला डाला व्लॉग, दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला, पाँचवें व्लॉग में ना यार 7.7 के व्यूज़ आ गए। जब वो व्यूज़ आए ना लिटरली आई वॉज, मैं खुद एक शौक में हो गया, इतने व्यूज़ आ गए तो लाइक यार लिटरली कह रहा हूँ सबके फट के हाथ में आ गई। मुझे फैमिली से इतना हेट मिला ना कि कुछ कहते हैं कि यार सैफ आपने क्या काम शुरू कर दिए हैं, तो मैं चुप रहा, खामोश रहा, मैं फिर भी व्लॉग बनाता गया, धड़ाधड़ भाई व्लॉग्स बनते गए। ना यार 6 सितंबर को मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बेटा पैदा हुआ, जो जिसका व्लॉग मैंने 9 सितंबर को अपलोड किया। फिर उसी के 3-4 व्लॉग्स चलते रहे ना, तो फिर 50th व्लॉग मेरे पूरे हो गए, लाइक 50 व्लॉग लिटिल मैं सोच भी नहीं रहा था। वो मैंने व्लॉग थोड़ा स्पेशल बनाने की ट्राई की थी। फिर जैसे ही 50th व्लॉग पूरे हुए ना, उसके बाद हम सब ने सोचा कि यार आप जियान का थोड़ा फेस भी रिवील कर देना चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत ऑडियंस जो है बिल्ड हो चुकी थी, इतनी तो नहीं है शायद 200-300 सब्सक्राइबर्स हुए होंगे, तो फिर जियान का भी फेस हमने रिवील कर दिया। फिर यार जो ऐसा है ना कि आपके भाई की एनिवर्सरी आ गई, लाइक शादी को भी पूरा साल हो गया था। फिर उसके बाद आपके भाई की बर्थडे आ गई, 12 बज गए हैं और आज सैफ का बर्थडे, चलिए उसे सरप्राइज देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे के बाद ऐसा हुआ ना यार कि मतलब बर्थडे लाइक, फिर ना यार जो भी ये मेरे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ ना 6S, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसके कैमरे में लाइन्स आती थी, तो मैं व्लॉग करते हुए फ्रस्ट्रेट हो जाता था यार, न्यू मोबाइल चाहिए। फिर आपके भाई ने आईफोन 11 ले लिया, लाइक एप्पल। और यार अभी ऐसा ना कि वीडियो बनाते बनाते जब मैंने डेट रिपीट की ना, आज 1 जनवरी, तो मुझे याद आया ना कि आज तो हमारी एनिवर्सरी है, लाइक निकाह की एनिवर्सरी लिटरली। यार आई एम रियली सॉरी आपको, हैप्पी निकाह एनिवर्सरी। तो यार अभी ऐसा ना कि आज 1 जनवरी, और एक दो दिन पहले मैंने 2 व्लॉग्स अपलोड किए थे, एक था सिस्टर बर्थडे। दूसरा था हबशी गॉड मॉडिफाइड। और अब ना यार 2023 चल रहा है, इंशाल्लाह इस ईयर में हम बहुत अच्छी अचीवमेंट अचीव करेंगे, क्यों ना, इंशाल्लाह हम ज़रूर सक्सेस होंगे। लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, बस लाजमी सपोर्ट करना, क्योंकि यार देखो इतना टाइम लगता है ना एडिट करने में, लाइक ब्लॉग बनाने में इतना टाइम लगता है ना लिटरली, आप लोग लाइक मैं क्या कहूँ, लेकिन सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले व्लॉग में, हैप्पी न्यू ईयर, अल्लाह ताला आप सबके नसीब अच्छी करें, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।